हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। आज शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें निर्देश दिया गया है। देखिए क्या कुछ लेटर में दिया हुआ है। और ये जो लेटर है वो आज का डेट का है, 29/7/2021। ठीक है, आज दिनांक इसमें देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये 29 तारीख का लेटर जारी हुआ है और ये नियोजन से संबंधित जो है निर्देश दिया गया है। तो आपको भी जानना चाहिए कि क्या निर्देश दिया गया है। हालांकि ये जो सारे निर्देश हैं वो अधिकांश जो है नियोजन इकाइयों वालों के लिए दिया गया है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ जो गाइडेंस है, जो निर्देश है, वो कैंडिडेट के लिए भी है। ठीक है, तो चलिए क्या कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में हम इस लेटर में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे शिक्षा विभाग बिहार, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बिहार को लेटर ये जारी किया गया है। ठीक है, विषय वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया के संबंध में, इसके संबंध में जो है लेटर जारी किया गया है। महाशय, उपयुक्त विषयक विभागीय अधिसूचना विज्ञापांक 755 दिनांक 8/7/2021 के द्वारा वर्ष 2019 में प्रारंभ किए गए नियुक्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत द्वितीय चक्र की कार्रवाई से संबंधित दिशा निर्देश एवं नियोजन संबंधी गतिविधि का निर्धारण किया गया है। ठीक है, जो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग होने वाला है, 2 अगस्त से जो काउंसलिंग होने वाला है, उसके संबंध में ये जारी किया गया है। इस क्रम में द्वितीय चक्र के सफल नियोजन हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। अब निम्नलिखित निर्देश क्या है? सबसे पहला जो निर्देश है वो दिया जा रहा है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण अनुसरण करने के लिए जिस प्रकार राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार हर जिले के लिए नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उक्त नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी के नाम, दूरभाष संख्या यानी मोबाइल नंबर प्रकाशित किया जाए। ठीक है, मतलब जिस तरह से राज्य स्तर पर जो शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम को जारी किया गया था, वो नंबर जारी किया गया था, उसी तरह से कहा जा रहा है कि सभी जिला जो है अपने अपने जिला का मोबाइल नंबर और ये कंट्रोल रूम की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, यह व्यवस्था शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रत्येक कार्य दिवस तक 10 बजे से पूर्वाह्न 6 बजे तक अपराह्न तक संचालित रहेगी। ठीक है, ये जो व्यवस्था है जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाती है तब तक ये 10 बजे से 6 बजे तक चालू रहेगा। नियंत्रण कक्ष से संबंधित पदाधिकारियों का नाम एवं दूरभाष संख्या, अधोचारित कार्यालय दिनांक 30/7/2021 तक उपलब्ध कराने सुनिश्चित करें। तो ये जो है अब कहा जा रहा है कि 30/7/2021 तक उपलब्ध करा दें। और सेकेंड जो निर्देशन दिया गया है वो है आज दिनांक 29/7/2021 की मध्य रात्रि तक प्रत्येक नियोजन इकाइयों के लिए मेरिट लिस्ट NIC की वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। ठीक है, जो भी नियोजन इकाई है जो फाइनल मेरिट लिस्ट NIC पर नहीं अपलोड किया है, तो कहा जा रहा है कि 29/7/2021 के मध्य रात्रि तक इसको अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, अन्यथा निर्धारित समय तक मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं करने की स्थिति में संबंधित नियोजन इकाई के विरुद्ध यथोचित विधि संबद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। और निर्धारित समय तक मेघा सूची अपलोड नहीं होने की स्थिति में उन नियोजन इकाई में काउंसलिंग की कार्रवाई जो है तृतीय चक्र में किया जाएगा। ठीक है, तो अधिकांश जितना भी मेरिट लिस्ट है जो अभी तक नहीं आया है, उम्मीद है कि ये 30 तक आ जाएगा। और अगर जो नहीं अपलोड करेंगे
तो उनका जो काउंसलिंग है वो तृतीय थर्ड राउंड में जो काउंसलिंग होगा उसमें शामिल किया जाएगा। और नेक्स्ट जो है देखिए तीसरा निर्देश क्या दिया गया है, काउंसलिंग के क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाए कि नियोजन इकाई में जितने पद के लिए काउंसलिंग की जा रही हो उतने पद का चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त घोषित की जाए। ठीक है, जितना सीट है अगर उतना अभ्यर्थी आपको काउंसलिंग वाले को मिल गया है तो अब जो शेष अभ्यर्थी हैं उनका समय नष्ट वो नहीं करेंगे, उनको घोषणा कर दिया जाएगा कि अब हमारे यहाँ सीट नहीं है, आप दूसरे आप जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो कैंडिडेट है वो दूसरे जगह भी जा सकते हैं और अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ कहा जा रहा। फोर्थ जो निर्देशन दिया गया है वो कहा जा रहा है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत अगले दिन चयनित अभ्यर्थी की सूची NIC पोर्टल पर एवं उसके संगत प्रमाण पत्रों को शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। उस उक्त प्रक्रिया विलंब होने से गड़बड़ी अनियमितता होने की संभावना बढ़ जाती है। जो काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा तब उसके अगले ही दिन जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका जो डॉक्यूमेंट है वो NIC पर अपलोड करना होगा, और अगर लेट होता है तो गड़बड़ी की आशंका होती है। इसलिए कहा जा रहा है कि आप अगले ही दिन जो है उसको अपलोड कर दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया है। और देखिए, और ये भी कहा जा रहा है कि प्रथम चक्र के नियोजन जिसकी काउंसलिंग पूरी की जा चुकी है के संबंध में प्रत्येक नियोजन इकाई द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग हुआ है उनके लिए भी यहाँ कुछ कहा जा रहा है कि चयन सूची के प्रकाशन में विलंब होने पर गड़बड़ी की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में नियोजन इकाइयों द्वारा अब तक चयन सूची NIC वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया तो उन नियोजन इकाई के संबंध में कारण स्पष्ट करते उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार के सक्षम की जाए, और साथ ही इसे बच्चों के शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाए। तो जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग हुआ था और जिनका वैसे जो जिला है जो अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट के नए सही पर नहीं अपलोड किए हैं तो उनके प्रति जो है उनको कारण स्पष्ट करना होगा, और उसके प्रति जो जो कार्रवाई है वो की जाएगी, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है यदि इस संबंध में शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी द्वारा शिथिलता बरती जाएगी तो उसके विरुद्ध भी यथोचित कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। ठीक है, और थर्ड जो है ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि अभी भी कतिपय नियोजन इकाई के चयन सूची की जांच जारी है जिससे संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है, अतः इस संबंध में तटस्थ रूप से निर्णय लेते हुए चयन सूची एवं अभ्यर्थी का प्रमाण पत्रों का अपलोड करने का कार्य 29/7/2021 तक पूर्ण किया जाए। कहा जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे नियोजन इकाई है जो अपना सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट है और उनका जो लिस्ट है वो NIC पर नहीं अपलोड किए हैं तो वो 29/7/2021 तक अपलोड कर दें, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी। ये बहुत बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। ठीक है, जिन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग चयन रद्द कर दिया गया है उन नियोजन इकाइयों का चयनित अभ्यर्थी से संपर्क स्थापित कर प्रमाण पत्र वापस करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए ताकि अभ्यर्थी तृतीय चक्र में सम्मिलित हो सके। यहाँ द्वितीय चक्र होना चाहिए लेकिन यहाँ तृतीय चक्र है दिया हुआ है। तो जो भी नियोजन इकाई में काउंसलिंग हुई थी और उसका चयन रद्द कर दिया गया है तो उनको कहा जा रहा है कि उसका आप डॉक्यूमेंट वापस कर दीजिए ताकि वो सेकेंड राउंड थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग होगा उसमें वो शामिल हो सकेंगे और उनका चयन हो सकेगा।
ठीक है। और 5 में है, जिन नियोजन इकाई तथा फर्जी अभ्यर्थी पर FIR दर्ज की गई है उसकी सूची भी अभिलंब निर्देश को उपलब्ध निर्देशालय को उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। जिस पर FIR दर्ज हुआ है, जो फर्जी वाले थे, तो उसका भी लिस्ट उपलब्ध कराने को कहा जा रहा है। इसका अनुपालन दृढ़ता से किया जाए, निर्देश दिया गया है कि इसका जो अनुपालन है दृढ़ता से किया जाए। विश्वासभाजन जो है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, निर्देशक प्राथमिक शिक्षक, आप देख सकते हैं। उसके बाद इतना सारा कुछ दिया है, ये आपके काम के लिए नहीं है, जो काम का था मैंने आपको पढ़कर सुना दी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।